अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सैफुल्ला सोले। आई होप सो आप सब बिल्कुल सेट होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के कमर्शियल के बारे में आज हम वीडियो बनाने वाले हैं और बहुत इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत क्रिटिकल हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पिछले दो तीन दिन से, जब से पेमेंट प्लान कल से लॉन्च हुआ है, तो उसके बाद बहुत सारी डिस्कशन चल रही है और क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा कॉल्स करके इन्हीं एक दो पॉइंट्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे फील हो रहा है वो है डिफरेंस ऑफ मेन बुलेवार्ड एंड प्राइम बुलेवार्ड। तो एक तो ये फैक्टर है, प्लस प्राइसेस को भी हम देखेंगे कि किस किस्म की प्राइसेस लॉन्च हुई हैं, और थर्ड इज़ के किन लोगों को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और किस किस्म का फ़ायदा आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमर्शियल की अगर बात करें तो दो साइजेस जो हैं वो इस वक्त न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर लॉन्च किए गए हैं, 2.66 मरला और 5 मरला। जो 2.66 मरला है वो अराउंड 47,50,000 उसकी टोटल प्राइस जो है वो सामने आई है, और 9,75,000 जो है उसकी डाउन पेमेंट सामने आई है। 5 मरला की अगर बात करें तो अराउंड 97,00,000 जो है उसकी टोटल प्राइस जो है वो सामने देखने को मिली हमें, और 17.5 लाख 17,00,000 और 50,000 के अराउंड उसकी डाउन पेमेंट हमारे सामने आई है। प्राइस को अगर हम थोड़ा सा देखें कि किस किस्म की प्राइस है, अगर बाकियों से भी इसको कंपेयर करें, तो कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान इज़ नॉट द फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन ऑफ न्यू मेट्रो सिटी। इससे पहले खारियां जो है वो एक बहुत एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर डेवलपमेंट करके डिलीवर किया गया और ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, लेकिन इतना काम ऑब्वियसली हो चुका है कि जिससे न्यू मेट्रो सिटी की जो ब्रांड वैल्यू है वो अप्रिशिएट भी हो और लोगों को बहुत अच्छा खासा आइडिया हुआ है कि किस किस्म का काम करने वाला ये ग्रुप है। तो ऑलरेडी एक हिट प्रोजेक्ट जो है वो इनकी इन्वेंट्री के अंदर आप काउंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली फिर उन्होंने जो गवादर गॉल्फ सिटी लॉन्च किए, दे आर ऑलरेडी गुड प्रोजेक्ट्स। इस सब को देखते हुए ऑब्वियसली जब ये लोग गुजर खान आए हैं तो जिस किस्म का बिज़नेस इन्होंने अभी तक किया है और ऑब्वियसली जो कमर्शियल लॉन्च किया है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है कमर्शियल की। तो अगर प्राइसेस को आप देखें तो उस तरह प्राइसेस को आउट ऑफ रेंज नहीं लेके जाया गया क्लाइंट्स के लिए कि बिल्कुल कोई ख़रीद ना पाए। 2.66 मरला हैविंग अ वेरी गुड रेपुटेशन और जिस किस्म का काम ये लोग कर रहे हैं, कोई इनको अफेक्ट नहीं है इस चीज़ से कि मुल्क की जो सूरत हाल है वो अगर हल्की पुल्की ऊपर नीचे हो रही है, इकोनॉमिकल सिचुएशन थोड़ी बहुत आपकी ऑब्वियसली क्राइसिस में आ जाती है। तो बहुत कम ग्रुप्स हैं जो इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स के बावजूद एक कमिटमेंट के साथ डिलीवरी देने के कैपेबिलिटी रखते हैं और दे रहे हैं। एंड न्यू मेट्रो सिटी इज़ नॉट जस्ट वन ऑफ़ द ग्रुप्स, इट इज़ वन ऑफ़ दी टॉप ग्रुप्स जो इस काम को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ जो है वो निभा रहे हैं कि जितनी भी सिचुएशन ऊपर नीचे हो जाती है मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन, तो ये लोग डिलीवरी देने के कैपेबल हैं और दे रहे हैं। और ये चीज़ हमें देखने को मिली है खारियां के अंदर भी। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा स्लो हुआ है जब से न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है, विच इज़ नेचुरल। लेकिन गुजर खान के अंदर जिस लेवल के ऊपर इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है, टाइम से बहुत पहले ज़मीन एक्वायर कर ली, और अभी ऑब्वियसली जो लेटेस्ट अपडेट्स चल रही हैं, जिस तरह वो सेक्टर 1 का उन्होंने अभी से ही लैंड जो है वो फ्लैट करना शुरू कर दिया, उस पर काम स्टार्ट कर दिया, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप प्राइस देखें तो वो बहुत हैवी प्राइसेस जो एक्सपेक्ट की जा रही थी उस किस्म की प्राइसेस नहीं आई हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस रखी गई हैं। 2.5 मरला, लेट्स सपोज 2.66 मरला, अगर आप उसकी टोटल प्राइस देखें 47,50,000 उसकी प्राइस है, और डाउन पेमेंट एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जहां पे डिलीवरी होनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप प्रोजेक्ट इटसेल्फ थोड़ा सा उसको देख के स्टडी करें तो उसका 4 किलोमीटर का जीटी रोड का फ्रंट है, ऑलमोस्ट 2 गेट्स उसको वहां से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और फिर जो प्रोजेक्शन दी गई है इसकी डेप्थ की, तो इसको इतना डेप्थ के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इतना पीछे लेके जाया जाएगा क्योंकि इतनी ज़मीन होगी कि बैक साइड से जो खारियां टू रावलपिंडी मोटरवे, जो एक्चुअली लाहौर टू सियालकोट और सियालकोट टू खारियां मोटरवे है, वो बैक साइड से न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को टच करते हुए गुजरेगी और बैक डोर मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर ओपन होगा। तो एक फाइनली इसी गोल्डन बेल्ट, जिसको हम जीटी रोड को जो हम गोल्डन बेल्ट इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला प्रॉपर एक इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर बहुत बिजनेस है, तो गुजर खान उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है एक रोल प्ले कर सकता है और गुजर खान की वैल्यू के अंदर बहुत बड़ी जो है एक जंप आ सकती है, क्योंकि एक्सेस सोसाइटी तो है कोई नहीं यहाँ पे, और फिर पिंडी से लेके एक नेक्स्ट बड़े शहर तक उसके बीच में इस तरह अभी तक कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट और इस किस्म की एडवांसमेंट तो हुई नहीं है। तो अल्टीमेटली जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है वो एक ऐसा आपको पॉइंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक प्रॉपर आप एक कमर्शियल हब और एक रेजिडेंशियल हब क्रिएट कर सकते हैं उन लोगों के लिए, ऑब्वियसली जिनकी एक साइड पर पिंडी इस्लामाबाद होगा वो ईजिली उसको एक्सेस कर पाएंगे, बिजनेस कंडक्ट कर पाएंगे, और दूसरी साइड पर लाहौर उनका विद इन 1.5 घंटे की रेंज के अंदर आ जाएगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्राइसेस जो आप लोगों को दी जा रही हैं, दे आर अफोर्डेबल प्राइसेस, गुड प्राइसेस।
पाँच मरले की प्राइस को अगर हम देखें, कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं, जो आपका 2.66 मरला है उसकी 47.5 लाख उसकी प्राइस है, उसके अलावा 9.5 लाख उसकी डाउन पेमेंट है, और कन्फर्मेशन जो है वो 2,90,000 विद इन 60 डेज़ जो है उसका टाइम दिया गया है, 59,000 के अराउंड उसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट है, बलून पेमेंट 5,90,000 और 11.5 लाख बैलेटिंग। और इसी तरह अगर हम 5 मरले की प्राइस को भी थोड़ा सा एक नज़र मार लें तो 97,50,000 उसकी टोटल प्राइस हो गई, 17.5 लाख डाउन पेमेंट है, 9,90,000 जो आपकी कन्फर्मेशन है विद इन 60 डेज़ आपने पे करनी है, 1,55,600 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, बलून पेमेंट 9,90,000 और बैलेटिंग के ऊपर आपने 18.5 लाख जमा करवाने हैं। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर देखा जाए, क्योंकि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को भी समझना बड़ा ज़रूरी है, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब सोसाइटी बनती है तो पहला फोकस जो सोसाइटी का और डेवलपर्स का और जो भी एंटिटीज़ जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी होती है, तो रेजिडेंशियल से पहले हमेशा कमर्शियल पे फोकस रखा जाता है, क्योंकि कमर्शियल ने बिजनेस जनरेट करना होता है, ऑफिसेज आते हैं, ब्रांड्स आते हैं, बैंक्स जो होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे उनको जगह दी जाती है, तो पहला फोकस सोसाइटी कमर्शियल पे कर रही होती है और बिल्डर्स भी वहीं पे कर रहे होते हैं। कमर्शियल ग्रो करता है तो अल्टीमेटली साथ रेजिडेंस भी वैल्यू पकड़ता है और उसकी डिमांड बनती है, तो उस लिहाज से कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हमेशा से एक बहुत ही तगड़ा ऑप्शन रहा है। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको उस लेवल के थोड़े बहुत फंड्स जो हैं वो आपको ईज अप करने पड़ते हैं कि आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आराम से कर सकें। इसमें जो चीज़ क्लाइंट्स को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ कर रही है, जो शायद डिसीजन उस तरह लोग नहीं ले पा रहे, वो है मेन बुल्ले वार्ड और जो प्राइम बुल्ले वार्ड का डिफरेंस है। जो आपका 5 मरला कमर्शियल है वो इन दोनों जगहों पे लोकेटेड होगा, वो मेन बुल्ले वार्ड पर भी होगा और वो प्राइम बुल्ले वार्ड पर भी होगा। जो आपका 2.66 मरले का जो कमर्शियल प्लॉट है वो सिर्फ आपका प्राइम बुल्ले वार्ड के ऊपर होगा। अब इसमें जिन लोगों को कन्फ्यूजन है यार कि प्राइम बुल्ले वार्ड कहीं पीछे हटकर तो नहीं आ रही, ये प्राइम बुल्ले वार्ड कहाँ पे, हमारा प्लॉट पीछे ना हो जाए, तो उस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करते हैं, आपको एक आइडिया दे देते हैं कि एक्चुअली ये बुल्ले वार्ड्स ये बुल्ले वार्ड्स किस SOP के तहत जो हैं वो डिप्लॉय की जाएंगी और ये कहाँ पर बन रही होंगी और क्या इसका मैप बन रहा होगा। अगर हम खारियां की पिक्चर आपको शो करें सेक्टर 1 की, तो इमेजिनरी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, साथ साथ पिक्चर के ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप एक नॉर्थ से साउथ एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन को आप कंसिडर कर लें मेन बुल्ले वार्ड, ठीक है, अराउंड 150-200 फीट की ये रोड होगी, मेन बुल्ले वार्ड आप गेट सेंटर हुए एंड यू आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ और ये एक स्ट्रेट लाइन में आपकी मेन बुल्ले वार्ड है। सेंटर में इस लाइन के सेंटर में आप एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं एंड यू कॉल इट ट्रफलगर स्क्वायर, ठीक है, और ट्रफलगर से लेफ्ट और राइट ईस्ट टू वेस्ट की जो लाइन है इसको आप कंसिडर कर लें प्राइम बुल्ले वार्ड। ये बुल्ले वार्ड हार्डली कोई 20-30 फुट शॉर्ट होगी मेन बुल्ले वार्ड से। अगर मेन बुल्ले वार्ड आपकी 200, 150, 300 फीट पे है तो उसमें से 20-30 फुट कम करके आपकी जो प्राइम बुल्ले वार्ड है विच स्टिल विल बी 2 लेन पर साइड, तो वो आपकी प्राइम बुल्ले वार्ड कहलाएगी, जो कि प्रॉपर एक बुल्ले वार्ड है, 150 फीट वाइड एटलीस्ट और अराउंड अप टिल 200 फीट वाइड, यहाँ तक इसका जो होगा वो उसका साइज होगा। तो जो आपके 2 मरला के प्लॉट्स हैं प्राइम बुल्ले वार्ड के ऊपर आ रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन है जी कि कोई छोटी रोड है सोसाइटी के अंदर जहाँ पे 2.66 मरला को जो ये जी प्लेस कर दिया जाएगा या कोई अंदर ब्लॉक्स के अंदर एंटर करने के बाद, तो उस किस्म का चक्कर नहीं है, इट्स अ प्रॉपर बुल्ले वार्ड रोड, ठीक है, उसका नाम अलग है, ठीक है, हम क्योंकि ऑब्वियसली आप उसको भी मेन बुल्ले वार्ड नहीं बोल पाएंगे, मेन बुल्ले वार्ड वही होगी जिस पे आपने एंटर किया है सोसाइटी के अंदर। 5 मरला आपको मेन बुल्ले वार्ड पे मिल जाएगा, कुछ पोर्शन आपको मिलेगा प्राइम बुल्ले वार्ड के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली अल्टीमेटली आपका सारे का सारा मेन बुल्ले वार्ड के ऊपर आएगा। तो लोकेशन को लेके जो एक कन्फ्यूजन है उसको आप लोग काइंडली दूर कर लें। लोकेशन स्टिल आपके पास प्रीमियम है, लेकिन ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द साइज आपका 2.5 मरला बिल्कुल स्टार्ट में नहीं हो सकता, तो उसको थोड़ा सा आगे लेके जाके मेन रोड्स के ऊपर प्लेस कर दिया गया। प्राइसेस को देखते हुए, प्रोजेक्ट के स्कोप को देखते हुए, क्या रोड्स उसको टच कर रही हैं, क्या बिजनेस का स्कोप है उसका, और इटसेल्फ कमर्शियल कहाँ पे सोसाइटी के अंदर प्लेस किया जाने वाला है, मेन बुल्ले वार्ड है, प्राइम बुल्ले वार्ड है, और हमने आपको समझा भी दिया है। स्पेशली न्यू मेट्रो सिटी खारियां का जब सेक्टर 1 की पिक्चर आप लोग हम आपको शो करेंगे, आप देखेंगे तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते साथ ही आपको ये भी चीज़ समझ आ जाएगी कि एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरी बैड लोकेशन, इट्स अ वेरी गुड लोकेशन एक्चुअली, और उसकी वैल्यू भी आने वाले टाइम में उसी तरह अगले कुछ महीनों में डेवलपमेंट के साथ, ब्लॉक ए डिलीवर हो रहा है 5 महीने में, उसके 3 महीने बाद ब्लॉक बी डिलीवर हो रहा है, BCD का स्केड्यूल आ चुका है बैलेटिंग का, तो जिस किस्म के बिजनेस ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं प्राइसेस को एट द अर्लीस्ट बेस्ट टाइम के अंदर बेस्ट एप्रिसिएशंस जो हैं वो मिल जाएंगी। ये एक कॉम्पैक्ट नॉलेज है 2.66 मरला और 5 मरला कमर्शियल का।
आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक हम मिस कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर दी है, और आई होप सो बाय द टाइम ये वीडियो आप तक पहुंचे तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने के ऊपर, टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलने के ऊपर आप एक अच्छा डिसीजन भी ले सकेंगे। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए इस चीज़ को कैसे प्रोसीजर में लाया जा सकता है, कैसे आप लोग बाय कर सकते हैं, क्या उसकी डिटेल्स हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आप हमें गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपरली आकर से रिस्पॉन्स दे देगी इस चीज़ के ऊपर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि इस किस्म की और जितनी भी वीडियोज़ हैं प्रोजेक्ट्स रिलेटेड या आने वाले जो फ्यूचर में अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुंचे और आप अपने बजट्स को एक अच्छा डिसीजन लेके एक अच्छी जगह पे टाइम से लगा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे दोबारा कुछ अच्छे से फैक्ट्स और वीडियोस के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।